हेलो दोस्तों, गोट फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए जम्स क्रिएशन चैनल को और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मास साबले और आज हम आए हैं मुमरा की बकरा मंडी में और देखने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या बकरे देखने के लिए मिलते। तो ये है हमारी मुमरा की लोकल मंडी और हर साल यहाँ पर अच्छे बकरे उतरते हैं। लोकल बकरे भी ज़्यादा रहते हैं, जैसे देसी बकरे होते हैं वो बकरे भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं और रीज़नेबल रेट में, जैसे सस्ते बकरे के लोग कुर्बानी करना चाहते हैं, जैसे 12,000-15,000, तो ऐसे रेंज के भी बकरे मिलते हैं। अभी फ़िलहाल तो रेट्स ओपन नहीं हुए क्योंकि हम बकरा मंडी लगकर मुश्किल से एक दिन हुआ है और अभी बकरे आ रहे हैं, लोग धीरे धीरे अपने बाड़े फुल कर रहे हैं और माशाल्लाह अभी भी देखोगे तो सीन काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन समझ लो ऑलमोस्ट अभी 20-30% ही बाड़े फुल हुए, अभी पूरा बकरा मंडी में पूरा अभी लगने बाकी है। तकरीबन 60-70 बाड़े होंगे जिसमें से अभी 10 या 12 लोगों ने ही अपने बकरे उतारे, तो धीरे धीरे बकरे आ रहे हैं। आगे चल के आप लोगों को एक फार्म का भी बकरा दिखने में मिलेगा, एक ताज अगैरो करके फार्म वाले, तो उन्होंने भी अपने बकरे उतारे हैं और हमारे भी कुछ पहचान वाले हैं, उनके भी बकरे यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। हमारी उनसे बात हुई थी तो वो कुछ 1-2 दिन के अंदर बकरे उतार देंगे, तो इंशाल्लाह धीरे आगे चल कर हम लोग उनकी भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे कि क्या बकरे हैं, क्या रेंज में और क्या कलेक्शन उतारे, क्या क्या रेट्स दे रहे हैं। ये गुजरी बकरे भी कुछ हमें देखने के लिए मिले, ज़्यादातर अभी जो है वो एकदम क्वालिटी वाला माल नहीं है, ये चचा के भी बकरे हैं लेकिन इनके रेट्स अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है, तो हमें ऐसा नहीं लगा कि इनके रेट्स अभी बताना चाहिए क्योंकि वो ये भी जस्ट स्टार्ट किए तो वो चाह रहे कि अच्छा रेट मिल जाए, तो इसलिए हम लोगों ने फ़िलहाल उनके प्राइसिंग कवर नहीं करी। कुछ वाइट बकरे भी हमें देखने के लिए मिले, बाकी सिरोही और गुजरी में काफ़ी अच्छे बड़े बकरे भी हैं, जैसे वाइट माल भी है, सिरोही गुजरी तो काफ़ी ज़बरदस्त है एंड देसी में जैसे एकदम लोकल ब्रीड जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कसाई लोग जो होते हैं, कुरैशी लोग होते हैं, उनके पास वही माल आता है तो वो लोग वही बकरे लाते हैं और सस्ते बकरे उतारते हैं ताकि हर एक जो है वो कुर्बानी कर सके। तो इंशाल्लाह देखते हैं ये बार मुमरा बकरा मंडी का क्या सीन होता है। ऐसे तो हमारा जो डेली का विजिट होगा वो देवनार बकरा मंडी होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि मुमरा बकरा मंडी को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो ये थे कुछ सीन मुमरा बकरा मंडी के, तो सोचा कि आप लोगों तक ज़रूर लेके आया जाए और जैसे ही पूरा बकरा मंडी फुल होती है तो एक एक करके सारे बाड़े कवर करेंगे, क्या रेंज है, क्या नस्ल वाले बकरे अवेलेबल है और कितनी प्राइसिंग में ये लोग बकरे दे रहे हैं, रेट्स वगैरह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरे आप लोगों तक पहुँचाए ताकि जो कोई भी हमारा भाई बकरा लेने में इंटरेस्टेड है, सस्ते बकरे लेने में इंटरेस्टेड है या अच्छे हैवी बकरे चाहिए, उनके लिए भी कोशिश करेंगे अच्छे बकरे आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो जैसे मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ताज गुड फार्म करके भी कोई है, ये साइड शायद से अपने रायगढ़ साइड से, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे बकरे लाए इसमें, इनके पास में गुजरी सिरोही में है और इसके अलावा बोर माशाल्लाह इनके पास में है, कोटा में है इनके पास में, और एक हमने बीटल भी इनका कवर किया और माशाल्लाह वाइट में भी इनके पास कुछ है, ये एक माशाल्लाह कोटा है ज़बरदस्त और थोड़ा एग्रेसिव भी है, उसको स्टार्टिंग में रखा हुआ है, और ये दूसरे बाड़े में है मालवा बकरा, एग्रेसिव मालवा है लेकिन उनके रेट्स भी काफ़ी हाई है, छोटे छोटे बच्चे का वो लोग मांग रहे हैं 40,000-30,000, तो अच्छे खासे रेट से। ये एक बरबरी है, ये भी ताज गुड फार्म का है और इनके भी मेरे ख्याल से अभी पूरे बकरे उतरे नहीं है, कुछ कुछ बकरे हैं, ये एक कोटा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे तकरीबन बहुत सारे बकरे हैं जो अभी आने बचे हैं और काफ़ी सारे बकरे आ भी गए और फिलहाल ये है मंडी का सीन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, थैंक यू सो मच।